नमस्कार दोस्तों, हम बनाना सीखेंगे RSRCTC का पास। तो आपको ई मित्र लॉगिन करना है, यूटिलिटी टाइप का चयन करना है, यहाँ पर RSRTC टाइप करना है तो आपको ये सर्विस मिल जाएगी तीन नंबर पर। इसको ओके करने पे RSRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जहाँ इसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो आपको ये कुछ इस तरह का इंटरफेस है। इसमें आपको एप्लीकेंट का नाम, उसके बाद में एप्लीकेंट के आधार नंबर, और उसके बाद में आप टाइटल सेलेक्ट करेंगे। टाइटल के बाद में कैंडिडेट के फादर का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे आप। उसके बाद में जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद में एप्लीकेंट के मोबाइल नंबर, और आपको इसके बाद आप मेल आईडी यहाँ पे आपको दे देनी है। मेल आईडी टाइप करने के बाद में आपको आप यहाँ पर एप्लीकेंट का है जो एड्रेस टाइप करेंगे, फुल एड्रेस टाइप करना है आपको, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तहसील डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस आप टाइप कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद में आपको यहाँ पर डिपो सेलेक्ट करना नहीं, आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर आप पॉइंट ऑफ सेल, इसमें आपको डिपो मिल जाएगा, वो सेलेक्ट कर लेंगे आप। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेंट की जो आपको फ़ोटो अपलोड करनी होगी 2 MB से कम, और JPG, सिर्फ JPG फॉर्मेट में अपलोड करनी है आपको, इसीलिए मैंने आपको बताया। फिर मैं JPG यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एप्लीकेंट की फ़ोटो, तो आपके सामने कुछ इस तरह की फ़ोटो आ जाएगी। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको बस टाइप यानी ऑर्डिनरी एक्सप्रेस वे जो भी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। फिर आपको आपका जो पास बना है वो किस तौर पर बना वो आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फिर आपका पास का पीरियड और आपकी एक्सपायरी डेट, कार्ड की फ़ीस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप तो आपको कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, PNG JPG या कोई भी मोड में 2 MB से कम। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको फोटो आईडी प्रूफ में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। फिर आपको आधार नंबर यहाँ पे टाइप करने हैं। आधार नंबर टाइप करने के बाद में आपको यहाँ से फाइल अपलोड कर लेनी है आधार की। यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन मिलता है, अपलोड क्लिक करेंगे आप तो साइड में आपको आधार दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आपका जो डिसेबल सर्टिफिकेट बना था वो आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे उसके नंबर डाल लेने हैं। डिसेबल सर्टिफिकेट के नंबर आपको यहाँ पे टाइप करने हैं। टाइप करने के बाद में आपने जो फाइल बनाई वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, एंड अपलोड पर क्लिक करना है। तो आपको साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे वो आपको दिखाई देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको राशन कार्ड एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। राशन कार्ड के नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर लेने हैं। उसके बाद में आपको फाइल चूज करनी है यहाँ से, एंड अपलोड पे क्लिक करना। जैसे अपलोड पे क्लिक करते हैं तो आपको जो डायलॉग बॉक्स है उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई देंगे। फिर आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तब ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड पे पहुँच जाते हैं। आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक वाले बटन को दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए।